हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अलॉट पर नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है गोल्ड के बारे में। करंटली न्यूज़ आई थी कि यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में नई गोल्ड माइन का पता चला है। जानेंगे इस वीडियो में ये गोल्ड माइन कहां पर है और इससे कितना सोना निकाला जा सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं गोल्ड के बारे में। सभी को पता है गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है और इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसका सिंबल है AU, जो कि लैटिन भाषा के ऑरम शब्द से आया है और इसका एटॉमिक नंबर है 79। इसकी अगर मेटेलिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये बहुत ही डक्टाइल ऑल मेलेवर मेटल है, जिसके कारण ही इसके द्वारा कई तरीके की ज्वेलरी बनाई जा सकती है और ज्वेलरी में कई तरीके के डिजाइन दिए जा सकते हैं। और यही एक मेन रीजन है कि गोल्ड के द्वारा ज्वेलरी बनाने में इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। गोल्ड एक लीस्ट रिएक्टिव मटेरियल है और यह खान के अंदर या माइंस के अंदर नेचुरल फॉर्म में फ्री एलिमेंट के रूप में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें गोल्ड को तो यह सिल्वर के माइंस में, कॉपर्स की माइन में, उनके साथ मिक्स रूप में पाया जाता है। अगर बात करते हैं गोल्ड ओर की, वर्ल्ड गोल्ड काउंसलिंग ने कहा है कि 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस समय पूरे वर्ल्ड में 187,200 टन गोल्ड का स्टॉक है, जिसकी वैल्यू करीब 8.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और हमारा जो गोल्ड है वो पाया जाता है माइंस के अंदर, जिसमें कई तरीके के माइंस होती हैं, जैसे कि ओपन पिट माइंस, हार्ड रॉक माइंस। तो अगर ओर के रिचनेस की बात करें तो केवल जो रिच ओर्स हैं उन्हीं से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हमको किसी माइंस से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है तो उसकी रिचनेस लगभग 0.5 ppm के करीब होना चाहिए, तभी उस माइन से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना हमारा इकोनॉमिकल हो पाएगा। साथ ही ओपन पिट माइन में जो गोल्ड के रिचनेस होती है वो होती है 1 से लेके 5 ppm तक, और अंडरग्राउंड माइंस और हार्ड रॉक माइंस में गोल्ड की रिचनेस होती है 3 ppm के करीब। अगर कोई ऐसी माइंस है जहां पर हम गोल्ड को अपनी आंखों से विजिबल कर सकते हैं तो वहां पर गोल्ड की रिचनेस ओर में होनी चाहिए 30 ppm। यानी कि अगर किसी ओर में गोल्ड की रिचनेस 30 ppm के करीब है तभी उस गोल्ड को आंखों से देखा जा सकता है। अगर बात करें कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ है तो USA में सबसे ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व हैं। एक रिपोर्ट 2019 के मुताबिक इस समय USA में 8,000 मीट्रिक टन के करीब गोल्ड है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस समय 626 टन गोल्ड है। और प्लेस के स्थान पर, यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड में प्लेस की बात करें तो इंडिया की रैंक आती है 9th, यानी कि पूरे वर्ल्ड में USA नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 9 पर है। अगर इसके कंजप्शन की बात करें तो गोल्ड का जो कंजप्शन होता है 50% होता है ज्वेलरी में, 40% के करीब इन लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसे रिटर्न मिले, और 10% ये हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इस गोल्ड का यूज़ होता है। हमारे वर्ल्ड में चाइना सबसे ज़्यादा गोल्ड कंज्यूम करने वाला कंट्री है और इसके बाद आता है हमारा इंडिया। अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन कौन सी मेन माइंस हैं या फेमस माइंस हैं जहां से गोल्ड निकाला जाता है, तो सबसे फेमस माइंस है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कि कर्नाटक में है। ये आपको पता होगा जो सबसे गहरी माइंस है कोल आपकी गोल्ड की, वो है कोलार गोल्ड फील्ड्स। उसके बाद आती है हमारी हट्टी गोल्ड माइंस, ये भी कर्नाटक में है जो कि रायचूर टाउन के पास है। और थर्ड माइंस हमारी लावा गोल्ड माइन, जो कि झारखंड में है चांडिल टाउन के पास। और अभी करंटली जो न्यूज़ में माइंस चली है वो है सोनभद्र की माइंस। तो आजकल जो न्यूज़ है गोल्ड के बारे में वो क्या है? अभी हाल ही में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने कहा है कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की सोन पहाड़ी और हार्दी एरिया, ये
जो दोनों मेन एरिया है वहां पर गोल्ड माइन का पता चला है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ पर गोल्ड की मात्रा लगभग 3,000 टन के करीब हो सकती है, जिसमें कि सोन पहाड़ी में 2,900 के करीब और हार्डी ब्लॉक में 650 किलोग्राम गोल्ड होने का अनुमान उन्होंने लगाया है। लेकिन अभी हाल ही में संडे की न्यूज़ है कि जीएसआई ने जो सर्वे किया था इस माइंस का, उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ये जरूर कहा है कि वहां पर गोल्ड हो सकता है, लेकिन इस क्वांटिटी का उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने एस्टिमेट करा था कि इन दोनों जगहों पर, यानी सोनभद्र की जो दोनों जगह हैं वहां पर 52,806 टन के करीब गोल्ड ओर हो सकता है, लेकिन उसकी रिचनेस बहुत कम है। उन्होंने कहा कि उसकी रिचनेस इतनी है कि 1 टन में लगभग 3.03 ग्राम सोना ही निकाला जा सकता है, जो कि एक एवरेज ग्रेड है। और अगर पूरे अयस्क या पूरे ओर को ट्रीट करके उससे गोल्ड निकाला जाए तो 52,806 टन ओर से केवल 160 किलोग्राम गोल्ड ही निकाला जा सकता है। तो अभी जो करंट में न्यूज़ चल रही थी कि इन माइन से 3,000 टन के करीब सोना निकाला जाएगा, वो जीएसआई ने रिजेक्ट कर दी है। और अभी इस पर काफी रिसर्च चल रहा है, तो देखेंगे आगे कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।